नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से 18 फरवरी बड़ा शनिवार महाशिवरात्रि शिवलिंग पर भूल कर भी ना चढ़ाएं, ये एक चीज। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। यह सभी महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन देवों के देव महादेव का पूजन किया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार साल 2023 में महाशिवरात्रि का व्रत 18 फरवरी दिन शनिवार को है। दोस्तों, यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि को रखा जाएगा। शास्त्रों की माने तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शिव जी की पूजा में निषेध मानी गई है, वर्जित मानी गई है, अर्थात जिन्हें शिव पूजा के समय शिव जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। आज हम आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो भोलेनाथ की पूजा में उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। पहली चीज़ है हल्दी। हल्दी न सिर्फ खान पान का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि धार्मिक कार्यों में भी हल्दी का प्रयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि शिव जी की पूजा में उन्हें हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी का उपयोग खास तौर पर सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य के लिए माना जाता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर महादेव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। दूसरी चीज़ है कुमकुम या रौली। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा में कुमकुम और रौली का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कुमकुम को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि भोले भंडारी बैरागी कहे जाते हैं। प्राचीन मतों के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को उनकी पूजा के समय कुमकुम या रौली से तिलक नहीं करना चाहिए, बल्कि यदि उन्हें चंदन या भस्म अर्पित किया जाए तो उन्हें वो जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगली चीज़ है नारियल का पानी। मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ को नारियल तो चढ़ाना चाहिए, लेकिन नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को नारियल के पानी से अभिषेक करना वर्जित माना गया है। शास्त्रों में नारियल को माता लक्ष्मी जी का एक रूप माना गया है, जिसके कारण शिव पूजन में शिव जी को नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। टूटे चावल। शास्त्रों में टूटे चावल, खंडित चावल पूजा में उपयोग करना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा के दौरान उन्हें कभी भी टूटे हुए चावल अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पत्ते। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा के में कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं की माने तो जालंधर नामक असुर की पत्नी बिंद्रा के अंश से तुलसी का जन्म हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया है, इसलिए कभी भी तुलसी से शिव पूजन नहीं किया जाता। उबला हुआ दूध। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर आप भूलकर भी उबला हुआ दूध ना चढ़ाएं। उबले हुए दूध से आप शिवलिंग पर ना अभिषेक करें, शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि उबले हुए दूध ने इसके बदले आप उन्हें ताज़ा ठंड दूध यानी गाय का आप चढ़ा सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, ठंडा जल चढ़ाएं, दूध से अभिषेक करना शुभ माना जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। वहीं शास्त्रों की माने तो शिव जी की पूजा करते समय कभी भी उबला या गर्म दूध नहीं चढ़ाएं, बल्कि आप दूध जब ठंडा हो, जब आप गाय को धोते हैं उसी समय आप चढ़ा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। तो शिवलिंग पर आप ठंडे जल व दूध से ही अभिषेक करें। अधूरे खंडित बेलपत्र। भगवान शिव जी की पूजा में महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का महत्व बहुत है। उन्हें बेलपत्र अर्पित करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र की पत्तियों में माता पार्वती का वास होता है, तो वहीं तीन पत्तों वाले बेलपत्र पर भगवान शिव की तीन नेत्रों से जोड़ा गया है, इसलिए महादेव को भूलकर भी खंडित या कटा हुआ फटा हुआ बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख का प्रयोग। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने शंख चूर्ण नामक एक असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक समझा जाता है जो भगवान विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए भगवान विष्णु जी की पूजा तो शंख से होती है, लेकिन शिव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भोलेनाथ।